असलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेवेंथ मैथेमेटिक्स आज आपने करनी है एक्सरसाइज नंबर टू पॉइंट थ्री और टू पॉइंट थ्री के जो क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं दीज आर क्वेश्चन नंबर वन थ्री फोर फाइव सेवन एंड एट एंड प्लस रिव्यू एक्सरसाइज यस क्वेश्चन नंबर वन आपका है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग अब इसके अंदर आपने ये तीनों जो नंबर्स हैं uh, पहला फ्रैक्शनल फॉर्म में माइनस फाइव बाई सिक्स इंटू माइनस ट्वेल्व इंटू माइनस फोर इनमें आप देखें जिनकी कैंसलेशन पॉसिबल है उनकी कैंसिलेशन करेंगे सिक्स की कैंसलेशन कर रहे हैं ट्वेल्व के साथ सिक्स वन जिक्स सिक्स टू जो ट्वेल्व और मीनिंग आपके पास है माइनस फाइव माइनस टू माइनस फोर और सबको कलेक्टिवली मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टी uh, आएगा और थ्री आपके पास है माइनस uh, के साइन ऑड में है तो इसलिए आपका माइनस आएगा माइनस फोर्टी आंसर है सेकंड क्वेश्चन में आपका पॉइंट के साथ है और पॉइंट फाइव इंटू माइनस ट्वेंटी माइनस थ्री और पॉइंट को पॉइंट फॉर्म डेसिमल फॉर्म से आप इसको कन्वर्ट करेंगे इम में फाइव बाई टेन इन टू ट्वेंटी माइनस थ्री और कैंसिलेशन हो जाएगी टेन के साथ टेन वन जा टेन टेन टू ज ट्वेंटी और दैन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और दो इवन माइनस के साइन है इसलिए आएगा प्लस और थर्ड क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह से ही है माइनस पॉइंट uh, के साथ है लेकिन आपके पास यहाँ पे ऑड में है नेगेटिव के साइन तो इसलिए जब एंड पे आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा माइनस थर्टी टू और फोर्थ पार्ट में भी आप देखें फोर्थ uh, पार्ट में भी एटीन इंटू माइनस टू बाई थ्री इंटू माइनस वन बाई फाइव है इनमें कैंसिलेशन हो सकती है थ्री की थ्री वन थ्री थ्री सिक्स एटीन और जो रिमेनिंग नंबर्स है वो आपने लिखे और यहाँ पे एंड पे आएगा सिक्स टू जो ट्वेल्व माइनस माइनस प्लस होगा आपका डिवाइडेड बाय फाइव अब ट्वेल्व बाई फाइव को आप एज इट इज़ लिखते हैं राइट क्योंकि इसको अब आप डेसिमल में ना कन्वर्ट करें यहाँ आपका आंसर होगा नेक्स्ट में तीनों के तीनों फ्रैक्शनल फॉर्म में हैं आपके पास नंबर्स और इनको आप देखें जिस चीज़ की कैंसिलेशन है पहले आपने पहले दो फ्रक्शन के अंदर थ्री वन जी थ्री, थ्री वन जो थ्री और नेक्स्ट के अंदर फोर और एट के साथ कैंसिल किया है फोर वन ज फोर फोर टू जी एट रिमेनिंग आपके पास तीन और नेगेटिव नंबर्स थे इस वजह से नेगेटिव नंबर आया और मल्टीप्लाई करेंगे तो टू बाई नाइन आपके पास आएगा यस नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री क्योंकि क्वेश्चन नंबर टू आपका इंक्लूडेड नहीं है क्वेश्चन नंबर थ्री में आपके पास नंबर है और उसका आपने लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने ये बात याद रखनी है कि जब दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें देन रिजल्ट इज प्लस वन क्या होगा रिजल्ट प्लस वन नंबर देखिए आपके पास है माइनस एटीन ये मैंने रफ वर्क में भी साइड पे किया आप देख सकते हैं इसको रेसिप्रोकल लेना है क्योंकि 18 का डी नोमनेटर यहाँ पर कॉन्सिडर आप करेंगे वन रेसिप्रोकल लेंगे वन बाई एटीन और वो भी माइनस के साथ होगा दोनों माइनस वाले होंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा और 18 18 की कटिंग होगी देन आपके पास आएगा प्लस वन तो आपका जो सम अप है वो क्या है कंक्लूजन ये है कि जब भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है एक तो नंबर को आपने रेसीप्रोकल करना है और सेकेंडली साइन चेंज नहीं करना अगर नेगेटिव साइन है तो आप नेगेटिव ही लिखेंगे अगर पॉजिटिव साइन है तो आप पॉजिटिव ही करेंगे तो देखें जैसे फर्स्ट में नंबर माइनस एटीन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा माइनस वन बाई एटीन इसी तरह से सेकेंड नंबर आपके पास है माइनस नाइन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा माइनस वन बाई नाइन थर्ड नंबर है माइनस थ्री बाई फोर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा माइनस फोर बाय थ्री रसीप्रोकल हो जाएगा लेकिन माइनस का साइन आएगा आपके पास नेक्स्ट आपके पास नंबर है माइनस फाइव बाई नाइन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स माइनस नाइन बाई फाइव और जो फिफ्थ वन है आपका मिक्सड फॉर्म में है मिक्सड फॉर्म को पहले आप कन्वर्ट करेंगे इम प्रॉपर में फोर थ्री ज ट्व प्लस वन थर्टीन बाई थ्री थर्टीन बाय थ्री का आपने रसी प्रोकल लेना है डैट इज़ थ्री बाय थर्टीन और माइनस का साइन आएगा और लास्ट जो फोर्थ आपका है उसमें अगेन ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड uh, फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस ट्वेल्व बाई फाइफ माइनस ट्वेल्व बाई फाइफ अगेन आपके पास ठीक है इसका रसीप माइनस ट्वेल्व बाई फाइव आएगा इसका रसीप रो कर लेंगे तो माइनस फाइव बाई ट्वेल्व होगा यस क्वेश्चन नंबर फोर आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर है फाइंड द कोश्चन्स इनके आपने फाइन आउट करने हैं क्वेश्चनस और क्वेश्चन uh, में आप पहले भी कर चुके हैं कि जब आपके पास डिवीजन uh, का साइन होता है इसको आपने कन्वर्ट करना है मल्टीप्लीकेशन के साइन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपने जब भी डिवीजन का साइन हो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको कन्वर्ट करना है मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो नेक्स्ट जो फ्रैक्शन होगी आपका वो रसी प्रोकोल हो जाएगी नेक्स्ट फ्रैक्शन है थ्री बाय वन इसका रसी प्रोकॉल होगा वन बाय थ्री और ये बनेगा आपके पास कैंसिलेशन होगी थ्री वन जा थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन माइनस सेवन बाय वन और डी में अगर वन हो तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं और अगर नहीं हो तो आप इसको कंसीडर भी कर सकते हैं ठीक है यस क्वेश्चन नंबर फोर का सेकेंड आपके पास है माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई माइनस वन बाई फाइव और अगेन डिवीजन कन्वर्ट हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन में डैट इज़ इक्वल टू माइनस फाइव बाई वन और यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो सकती इसलिए आप माइनस माइनस आपके पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइव बाई टू आपका आंसर होगा थर्ड आपके पास है फिफ्टीन डिवाइड बाई माइनस थ्री बाई फोर और फिफ्टीन बाई वन आप लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई फोर बाय माइनस थ्री हो जाएगी यहाँ थ्री वन जी थ्री फाइव ज फिफ्टीन माइनस वन डिड बाई टी बाई माइनस वन डेट इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी आंसर होगा आपका और ये जो नेगेटिव साइन नीचे था वो आपका ऊपर वाली वैल्यू के साथ आ जाएगा और फोर्थ में भी आप इसी तरह से आप देखेंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर फाइव है क्वेश्चन नंबर फाइव में आपने फाइंड आउट करना है मीन ऑफ द फॉलोइंग मीन रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग सिक्स क्लास के एंड पे आपने कैलकुलेट किए थे थर्टीन यूनिट में तो ये मेन कैसे कैलकुलेट करते हैं मीन के लिए आपने सारी वैल्यूज़ को सम अप करना है जो भी आपको गिवन वैल्यूज़ हैं उनको सम अप करना है यहाँ पे गिवन है सेवन माइनस फोर प्लस वन माइनस नाइन माइनस सिक्स इनको एक सम फॉर्म में लिखना है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी वैल्यूज़ हैं वन टू थ्री फोर फाइव ये फाइव नंबर्स हैं टोटल वैल्यूज मीन के टोटल नंबर कितने हैं टोटल नंबर आपके पास फ़ाइव है फाइव से डिवाइड करेंगे ऊपर अब इसके बाद नेक्स्ट में आपने प्लस वालों को कंबाइन कर लें नेगेटिव वालों को कंबाइन कर लें प्लस वालों को कंबाइन करेंगे सेवन प्लस वन दैट इज़ एट और जिसका सेवन का यहाँ स्टार्ट में जिसका भी साइन होता है स्टार्ट में होता है सेवन का यहाँ स्टार्ट में साइन नहीं है तो आप इसको प्लस कंसिडर करेंगे सेवन प्लस वन डेट इज़ एट और इन सबको आप करेंगे प्लस साइन माइनस के हैं लेकिन सारे होंगे सारे प्लस हो जाएंगे इनको प्लस करेंगे माइनस नाइन्टीन एट माइनस नाइन्टीन माइनस अलेवन बाई फाइव और इसको जब आप डिवाइड करेंगे जब आप इसको डिवाइड करेंगे फाइव टूज टेन और फिर वन और पॉइंट आके फिर जीरो फाइव टू जन टू पॉइंट टू इसका आएगा और इसका फाइव का सेकेंड आपने करना है खुद नेक्स्ट आपका फाइव का जो थर्ड पार्ट है इसमें भी मीन कैलकुलेट करना है और मीन में यहां पे पॉइंट के अंदर कुछ नंबर्स हैं अब यहां पे देखें टोटल नंबर्स आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव फाइव नंबर टोटल है मीन कैलकुलेट करने के लिए आपने पहले सारे नंबर्स को ऊपर सम फॉर्म में लिखा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज फिर सारे प्लस वाले लिखे जीरो पॉइंट टू फाइव प्लस सिक्स और फिर सारे माइनस वाले और प्लस करने का यहाँ पॉइंट में मेथड होता है कि आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के उसको ऐड करना है और जिस नंबर का पॉइंट नहीं होता जैसे यहाँ पे सिक्स का पॉइंट नहीं है तो पॉइंट आपने लिखना है एंड पे यहाँ पे देखें जीरो पॉइंट टू फाइव सिक्स पॉइंट यहाँ पर यह सेकेंड नंबर था सिक्स सिक्स पॉइंट मीन के सिक्स पॉइंट के बाद अगले दोनों जीरो हैं जो मैंने मेंशन नहीं किए इनको प्लस करें सिक्स पॉइंट टू फाइव ये आपने लिखा सिक्स पॉइंट टू फाइव नेक्स्ट है जीरो पॉइंट सेवन फाइव माइनस फोर माइनस वन इन सबको आप लिखेंगे फोर के बाद पॉइंट है वन के पॉइंट पॉइंट एक लाइन में होना चाहिए बिल्कुल जब आप प्लस करें या माइनस करें तो इसको किया फाइव पॉइंट सेवन फाइव और सिक्स पॉइंट टू फाइव माइनस फाइव पॉइंट सेवन फाइव आपके पास आएगा ये यह यहाँ पे माइनस हुआ हुआ वर्क में आपका जीरो पॉइंट फाइव जीरो और इसको जब आप डिवाइड करेंगे फाइव पे तो आपका आएगा जीरो पॉइंट वन जीरो और इसको आप लिख सकते हैं जीरो पॉइंट वन और क्वेश्चन नंबर फोर आपने करना है बाई योअर सेल्फ राइट सिक्स इंक्लूड नहीं है नौ क्वेश्चन नंबर सेवन यस क्वेश्चन नंबर सेवन आपका वैसा ही है जैसे आपने टू पॉइंट टू के अंदर आपने डेढ़ों क्वेश्चन किए हैं एडिशन के ये बिल्कुल सिंपल है मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया एल्सीयम लिया एल्सीय ले कर एल्सीय यहाँ पर आता है ट्वेंटी ट्वेंटी और इनको ऐड किया वन ट्वेंटी सेवन और डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा सिक्स होल सेवन बाई ट्वेंटी इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है और इसी तरह से इसको इसका जो सेकेंड है सेकेंड के अंदर देखें उन्होंने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी इंक्लूड कर दिए अच्छा ये जो आपका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है पहले तो इम्प्रॉपर में आपने कन्वर्ट किया सारी फ्रैक्शंस को और जो डिवीजन है इसको आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट फिर इनकी कैंसिलेशन हो जाएगी जो पैरन के अंदर आपकी मल्टीप्लिकेशन है उनकी कैंसिलेशन करें और जो आपने बाद में लिखा उसकी करें दोनों पैरन्सिस को आप सॉल्व करें साममल्टेनियसली दोनों सॉल्व हो जाएंगे देन आप उनको लिखें उनकी वैल्यूज़ को और फिर उनका लें एल बाकी मैथड वही है जो आप पहले कर चुके हैं इसमें जो डिफरेंस था वो डिवी एन एंड मल्टीप्लीकेशन का था और वो आपने सॉल्व करना सीख लिया है नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट आपका पॉइंट फॉर्म में आ गया और पहले आप टू प्लस जीरो पॉइंट फोर है इसको ऐड करेंगे और टू का पॉइंट आप एंड में लिखें जीरो टू पॉइंट फोर आपका आएगा राइट इसके बाद आपने फोटी टू डिवाइडेड बाय टू पॉइंट फोर टू पॉइंट फोर का पॉइंट ख़त्म करेंगे टेन बनेगा इसका डिवीजन है रेसिप्रोकल करेंगे मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होगा टेन बाई ट्वेंटी फोर और देन आप कैंसिलेशन कर रहे हैं यहाँ पे सिक्स से सिक्स सेवन ज़ा फोर्टी टू सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर और मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे सेवन टेन ज़ा सेवेंटी एंड फोर वन ज़ा फोर और डिवाइड करेंगे जब तो आपके पास क्या आ जाएगा फोर वन ज़ा फोर थ्री जीरो थर्टी फोर सेवन जो ट्वेंटी फ़ोर और टू आएगा तो इसको आप लिखेंगे सेवनटीन होल वन बाई टू और क्वेश्चन नंबर सेवन का लास्ट पार्ट आपने करना है बाई योर सेल्फ इन शाह वो आप ईज़िली कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो एट है वो बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो आप लोग क्वेश्चन नंबर थ्री कर चुके हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में साइन आपने चेंज नहीं करना रेसिप्रोकल करना है और ऐसा रेसिप्रोकल लेना है जब आप रेसिप्रोकल लेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल नंबर एंड रेसिप्रोकल दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपके पास आएगा वन अच्छा वन बाई है इसका प, वन बाय टू है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स रिपोर्कल करें टू बाय वन और डैट इज़ टू और वन बाय टू इंटू टू इज इक्वल टू वन वन बाय थ्री का इसी तरह से थ्री बाय वन थ्री होगा और आप देखें मल्टीप्लाई करने से प्लस वन और माइनस वन का क्या होगा माइनस वन का माइनस वन ही है क्योंकि माइनस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू प्लस वन और पॉइंट में जो क्वेश्चन आ जाए फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन हो उसको कन्वर्ट करें आप पहले आ, प्रॉपर या इमप्रॉपर फ्रैक्शन जो भी आपकी कन्वर्ट होती है वो करें पॉइंट खत्म किया नाइन बाय टेन और इसका रेसिपोकॉल आपका होगा माइनस टेन बाई नाइन राइट यस अब आते हैं आपकी रिव्यू एक्सरसाइज पे इज ऑन पेज नंबर फोर्टी फाइव इसके अंदर आपने चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को और फर्स्ट आपके पास है माइनस माइनस सिक्स

प्लस माइनस फाइव पॉइंट फाइव इन दोनों को करेंगे ऐड और ये देखिए आपके सामने इस क्वेश्चन के आगे सामने ऐड किया हुआ है पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट रखना है ये याद रखना है और इनको ऐड किया सिक्स फाइव एलेवन वन आ जाएगा और ऐड करेंगे तो माइनस नाइन पॉइंट वन ऑप्शन बी और सिक्सटीन पॉइंट वन प्लस नाइन पॉइंट थ्री इसका भी देखें इस तरफ आपका सॉल्व किया हुआ ये, uh, है ये माइनस है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अलेवन में से थ्री सब करेंगे एट और फिफ्टीन माइनस नाइन इज सिक्स नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन एलसीएम के साथ सॉल्व करना है सेवन एंड फोर का फोरटीन का एलसीएम लेंगे फोर्टीन आएगा और सॉल्व करेंगे तो माइनस सेवनटीन बाई ऑप्शन फिफ्थ की ऑप्शन बी और सिक्स की आपके पास आएगी इनको आपने किया कैंसिल टू वन जो टू टू थ्री ज़ा सिक्स माइनस माइनस प्लस एंड थ्री थ्री ज़ा नाइन सिक्स की होगी सी सेवेंथ के लिए आपके पास है क्वेश्चन जो है थ्री बाई टू माइनस टू माइनस माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस होगा टू प्लस थ्री प्लस वन आ जाएगा आपके पास और प्लस वन के साथ जब आप करेंगे तो आपका आता है फाइव बाई टू और यहाँ पे राइट ऑप्शन गिवन नहीं थी इसलिए मैंने ए एंड सी को जहाँ फोर था वहाँ फाइव लिख दिया तो फाइव बाई टू एंड माइनस फाइव बाई टू तो राइट ऑप्शन इज़ प्लस फाइव बाई टू एंड एट्थ के लिए आपके पास है माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री बाय थर्टीन इनका रेसिपो लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे थर्टीन सिक्स सेवेंटी एट थ्री ऑप्शन डी एंड नाइन के लिए आपके पास माइनस किया डायरेक्टली और माइनस सिक्सटीन बाय एट और नेक्स्ट के लिए ऊपर माइनस करेंगे माइनस ट्वेंटी सेवन नीचे आएगा माइनस नाइन तो ये आपका हो जाएगा रिव्यू भी कंप्लीट